स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। अब जो बच्चे पास हो गए हैं वो तो आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि जो अभी टेंथ में थे वो इलेवंथ में आ जाएंगे, जो ट्वेल्थ में थे वो कॉलेज में आ जाएंगे। एंड जो बच्चे पास नहीं हो पाए हैं, जो बच्चे फेल हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि वो रुक जाएंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे। अब वो चाहे सप्लीमेंट्री एग्जाम दे के आगे बढ़े या फिर उपजनन योजना के एग्जाम दे के आगे बढ़े, आगे तो सभी बच्चे बढ़ेंगे, यानी कि आगे आपका एडमिशन कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। अब आगे अगर आपको एडमिशन करवाना है तो आपको जरूरत पड़ेगी आपकी मार्कशीट की, यानी कि अभी आपने जो एग्जाम दिए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन 10th और 12th के, इनकी आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, तभी तो आपका आगे एडमिशन होगा। तो आज के वीडियो में अपन यही बात करेंगे कि जो मार्कशीट है वो एमपी बोर्ड की तरफ से कब तक प्रिंट होकर आ जाएंगी, कहां पर आएंगी, कब तक आपको दे दी जाएंगी, एंड जब तक मार्कशीट नहीं आती है तब तक हमें क्या करना है, क्योंकि जो कॉलेज एडमिशन है वो तो स्टार्ट हो चुके हैं, अगर आप 10th में है तो 11th के एडमिशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो इन्हीं सभी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए, नहीं तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन जरूर से ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की सारी अपडेट्स मैं आपको यहाँ पर देता रहूंगा। अब देखिए मार्कशीट की बात अपन कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आपकी जो मार्कशीट आएगी वो एमपी बोर्ड की तरफ से बन के आएगी, यानी कि अभी तक आपकी जो मार्कशीट आती थी वो आपके स्कूल की तरफ से बना के आपको दी जाती थी, पर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की मार्कशीट एमपी बोर्ड की तरफ से बन के आती है। 10th और 12th की मार्कशीट का कुछ इस तरीके का इंटरफेस होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बाकी सेम ही होती है, एंड ये एमपी बोर्ड की तरफ से ही आती है। अब एमपी बोर्ड की तरफ से ये मार्कशीट आप सभी के स्कूल में भेजी जाती है, पूरा डेटा उनके पास होते ही है कि कौन बच्चे कहाँ के हैं, तो उसी अकॉर्डिंग मार्कशीट भेज दी जाती है। तो आपको अपने स्कूल से कॉन्टैक्ट करना है कि हमारी मार्कशीट आई है या फिर नहीं आई है, पर अभी आपको कॉन्टैक्ट नहीं करना है क्योंकि अभी थोड़ा सा यहाँ पर टाइम कंज्यूम होगा मार्कशीट प्रिंट होने में, एंड मार्कशीट में अगर कुछ करेक्शन भी आपको करवाने होते हैं तो वो फिर बाद में होते हैं। काफी बच्चे पूछ रहे थे कि हमारे रिजल्ट में नेम ठीक नहीं है, डेट ऑफ बर्थ ठीक नहीं है, या फिर कुछ और मिस्टेक आ गई है, हम रेगुलर थे, हमारा प्राइवेट शो हो रहा है, तो ये सारे करेक्शन आपकी मार्कशीट में होंगे, एंड ये तभी होंगे जब आपकी मार्कशीट आ जाएगी। अभी आप कुछ भी करेक्शन नहीं करवा सकते हो, पर मेन बात वही आती है कि हमारी जो मार्कशीट है वो आएगी कब तक। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपका जो रिजल्ट आया है उसके 1.5 महीने बाद आपकी मार्कशीट जारी की जाती है, यानी कि आपका जो रिजल्ट आया है वो अप्रैल के एंड में आया है, एंड 1.5 महीना अगर अपन ऊपर देखें तो पूरा मई हो गया, एंड जून के अगर अपन 15 दिन देखें तो 15 जून तक आप सभी की जो मार्कशीट है वो आप सभी के स्कूल में आ जाएगी। एंड ये जो मार्कशीट होती है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसको आपको ध्यान से रखना है, चाहे 10th की हो या फिर 12th की हो, हमेशा आपके काम आएगी, तो इस पर लेमिनेशन वगैरह करवा के रखिएगा जब भी ये आएगी। अब अपन ये बात करते हैं कि जब तक मार्कशीट नहीं आती तब तक हमें क्या करना है। आपने जो रिजल्ट चेक किया है ऑनलाइन एमपीबीएससी 2010 IC पर, आपने जो स्क्रीनशॉट कैप्चर करके रखे हैं वो मार्कशीट की तरह आप उसको यूज नहीं कर सकते हो, पर उससे आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको आगे कॉलेज में एडमिशन करवाना है तो आप अपनी सीट बुक करवा सकते हो, आपको 10th के बाद 11th में एडमिशन करवाना है तब भी आपका जो एडमिशन है यानी कि आपकी जो सीट है वो बुक हो जाएगी उस स्क्रीनशॉट से, यानी कि उसको आप दिखा के कहीं पर भी सीट बुक कर सकते हैं, चाहे 11th में हो या फिर कॉलेज में हो। बट आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि जब आप कॉलेज में एडमिशन करवाओगे तो वहां पर एक प्रोसेस होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ती है, कॉलेज में जाना होता है, पूरे डॉक्यूमेंट आपको दिखाने पड़ते हैं, तो जब तक आपकी मार्कशीट आ जाती है तो वहां पर कोई परेशानी नहीं आती है, आप अपना जो एडमिशन है वो अभी करवा सकते हो। अगर आपने कोई कॉलेज देख रखा है, कोई सा कोर्स आपने चूज कर रखा है, तो उसमें आपका एडमिशन बड़े ही आराम से हो जाएगा उस स्क्रीनशॉट के थ्रू, एंड अगर वो पूछते हैं कि आपकी मार्कशीट कहाँ पर है तो आप ये कह सकते हैं कि अभी मार्कशीट नहीं है, ये चीज तो उनको भी पता होती है, तो वो भी ऐसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं कि मार्कशीट कहाँ है, मार्कशीट के बिना हम आपका एडमिशन नहीं करेंगे, सीट बुक नहीं करेंगे, ऐसी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब मार्कशीट की बात अपन कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपकी मार्कशीट के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी आपको दिए जाते हैं, एंड अगर नहीं भी दिए जाते तो आपको ये मांगना है, क्योंकि इनके बिना आपको कहीं पर भी कोई भी काम नहीं होगा आगे। अगर आप 12th में तो आपकी मार्कशीट के साथ आपको TC भी दी जाती है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, आपका कॉलेज एडमिशन में काफी ज्यादा एक काम आएंगे, इनके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। तो अगर आपको स्कूल से नहीं दिए जाते हैं तो आपको एप्लीकेशन देकर उनसे मांगना है, तभी आपका आगे एडमिशन हो पाएगा। बाकी अगर आप 10th में है एंड अगर आप स्कूल वगैरह चेंज कर रहे हैं तो आपको TC दी जा सकती है, एंड अगर आपका सेम स्कूल है 10th के बाद सेम आपको 11th में एडमिशन वहीं पर करवाना है, तो ऐसे में आपको सिर्फ मार्कशीट दी जाएगी, TC वगैरह का आपको कोई भी काम नहीं है। एंड मार्कशीट कहाँ पर आती है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जो मार्कशीट है वो आपके स्कूल में आएगी जहाँ पर भी आपका एडमिशन है। काफ़ी बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि हमारी जो मार्कशीट है वो हमारे एग्जाम सेंटर पर आएगी, तो एग्जाम सेंटर पर आती है आपकी मार्कशीट, पर वो आपके नहीं आती है। अगर आपका रेगुलर एडमिशन है तो आपकी जो मार्कशीट है वो आपके स्कूल में आएगी, बाकी जिन बच्चों का प्राइवेट फॉर्म होता है, जो बच्चे प्राइवेट फॉर्म भरते हैं बाहर से, तो उनकी जो मार्कशीट है वो एग्जाम सेंटर पर आती है। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपको मार्कशीट आपके स्कूल से ही दी जाएगी, उन्हीं से आपको कॉन्टैक्ट करना है, आप 15 जून तक कर सकते हैं। बाकी कोई और इन्फॉर्मेशन आती है, मार्कशीट बटनी स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको तभी दे दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही, कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर DM करके बात भी कर सकते हैं।